नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे रूमेटिड अर्थराइटिस, वात के रोग, जोड़ों के दर्द, जॉइंट्स पेन। दोस्तों, देखा जाता है जिसको भी रूमेटिड अर्थराइटिस होता है उसको जॉइंट्स में पेन होता है, चाहे हाथ के जॉइंट्स हों चाहे पैर के जॉइंट्स हों, सभी में दर्द होता है। कई बार हम टेस्ट कराते हैं, उसमें आ जाता है रूमेटिड अर्थराइटिस इज प्रेजेंट। कई बार हम रिपोर्ट कराते हैं लेकिन उसमें कुछ कारण की वजह से नहीं आते हैं, तो हम खुद भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें जॉइंट्स पेन है लेकिन रिपोर्ट में रूमेटिक अर्थराइटिस नहीं आया है, लेकिन हम उससे पीड़ित हैं, हम बीमारी को भुगत रहे हैं। तो इसको चेक करने का एक बहुत आसान तरीका, हमें दोनों अपने हाथों को इस प्रकार से रखना है और इस उंगली को इस प्रकार से, यानी कि जो रिंग फिंगर है इसके सेकंड जॉइंट को इस प्रकार से हमें दबाना है। और दबाने पर पता चला कि मुझे लेफ्ट हैंड के फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द है, जो कि हमारी थेरेपी में एसिड का पॉइंट है। और हमने ऐसे ही राइट हैंड की फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट को प्रेस किया, इसमें दर्द नहीं है या कम है, और लेफ्ट हैंड के फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में इसके कंपैरिजन में दर्द ज्यादा है, यानी कि मेरी बॉडी का एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है और साथ में जॉइंट्स पेन है। तो इस आधार पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि रूमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है। व्यक्ति को इतना दर्द होता है कि वो हाथ भी नहीं लगाने देता। कई बार अगर हाथ गलती से कहीं लग गया, पैर कहीं लग गया, चलते हुए ठोकर लग गई या कहीं हाथ टच हो गया है, किसी ने हाथ को पकड़ लिया, तो ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल गई हो, इतनी असहनीय पीड़ा होती है, जबरदस्त दर्द होता है, व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और रिपोर्ट्स कराई तो उसमें कुछ वजह से हो सकता है कि ना भी आया हो और आपको जॉइंट्स पेन है, आप भुगत रहे हैं उस दर्द को, तो आप अपनी बीमारी को खुद भी डायग्नोज कर सकते हैं। इस आधार पर आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक छोटी सी ब्रीदिंग क्रिया बता रहा हूं, आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। आपको अगर आप खड़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना चाहिए और लंबी गहरी सांस लेनी, यानी कि एक ब्रीदिंग क्रिया है, देखेंगे, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है ऐसा आपको 10 बार करना है, यानी कि एक राउंड में 10 बार करना है, फिर एक मिनट गैप देना है, फिर आपको 10 बार करना है। शुरू में आप 5 राउंड करें और धीरे 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 आप ऐसे 10-10 के 10 राउंड तक कर सकते हैं, यानी कि 100 बार आप एक बार में कर सकते हैं, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आप ये करें उससे पहले आपने जितने भी ज्वाइंट्स हैं, ये सारे ज्वाइंट्स, इनको इस प्रकार से आपको हिलाना है, सारे ज्वाइंट्स, ये ज्वाइंट्स, ये कलाई, ये एल्बो, ये कंधे, ऐसे नी और पैरों की फिंगर, सभी को इस प्रकार से हल्का हल्का सा रब करने और हल्की सी पूरी बॉडी की इस प्रकार से आप मसाज कर सकते हैं, पूरी बॉडी की सूखी मसाज, मुश्किल से 5 मिनट लगनी है। जब हम इस तरीके से मसाज करते हैं, जॉइंट्स को रब करते हैं, उनकी घिसाई करते हैं, और उसके बाद जब हम इस प्रकार से ब्रीदिंग क्रिया करते हैं, इसको हमारी थेरेपी में मुखाधोती नाम दिया गया है, यानी कि नाक से लंबी गहरी सांस लेनी और तेजी से भार छोड़नी। दोस्तों, रूमेटिक अर्थराइटिस जब भी होता है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि ये वात का रोग है, ये वायु रोग है, तो हमारे जॉइंट्स में कार्बोनिक एसिड जम जाता है और जब हम उसको ऐसे मूव करते हैं तो कार्बोनिक एसिड वहां से मूव होता है, और जब हम इस प्रकार से ब्रीदिंग क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इमीडिएटली करते के साथ ही हमें बहुत आराम लगता है, बॉडी में बहुत हल्कापन लगता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि इसमें कहीं आपको जाना नहीं है, दवाई कोई लेनी नहीं है, बस ऐसे ही करना है, और आप देखेंगे कि आपको जो बहुत दिनों से दवाइयों से भी आराम नहीं मिल रहा है, एक बार ये क्रिया करने से आपको तुरंत बहुत ज्यादा रिलीफ आता है, और धीरे धीरे कुछ दिन लगातार करेंगे तो हो सकता है कि आपको 100% रिलीफ भी आ जाए। फिर भी कोई समस्या रहे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो आप रूमेटिक अर्थराइटिस जैसी बीमारी से पीड़ित थे, आज उसको आपका बहुत अच्छा आपको उसका ट्रीटमेंट मिल गया होगा, जहां दवाइयों से कोई असर नहीं आ रहा है, आप ये क्रिया
करेंगे तो आपको पहले दिन से बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।